नमस्ते दोस्तों, किसान दिवस स्पेशल सीरीज के आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश के विकास में कृषि के योगदान की। कृषि की अहम भूमिका रही है बच्चों को जवान और जवानों को बुजुर्गीय तक का स्वस्थ दौर दिखाने में, और इसमें चौंकने वाली कोई बात भी नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि अगर पेट भर भोजन नहीं होता तो स्वस्थ उम्र बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हर निवाले पर ईश्वर के साथ साथ किसान का भी शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलना चाहिए। आजादी के 70 सालों में हमने हर क्षेत्र में अपार सफलता पाई है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों की तरह ही कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आए हैं। किसान और कृषि के विकास और उत्थान की रफ्तार भले कुछ क्षेत्रों से थोड़ी धीमी रही हो, कमजोर रही हो, लेकिन कुछ जगहों पर भारतीय किसानों ने कृषि क्षेत्र को विश्व पटल पर अव्वल साबित किया है। अन्न उत्पादन से लेकर दूध उत्पादन, कृषि क्षेत्रों में भारत का दुनिया भर में डंका बजता रहा है। भारत के कृषि व्यवसाय से अपने देश के 125 करोड़ आबादी का पेट तो भरता ही है। हमारे देश के कृषि उत्पाद दूसरे देशों में भी निर्यात किए जाते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस तरक्की की राह पर चलते हुए देश की कृषि में कुछ खामियां भी हुई हैं, और देश के कृषि क्षेत्र में कई अहम चीजें हमने खो दी हैं। बावजूद इसके हम कई चीजों में विश्व के दूसरे देशों से ऊपर हैं। 60 के दशक में जब भारत में हरित क्रांति का बिगुल बजा, उस वक्त देश कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में 5 करोड़ टन के ऊपर था, जो मौजूदा समय में 27 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। लेकिन साथ ही रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। 60 के दशक में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर 2 किलो था, जो अब 135 किलो के पार हो गया है। लेकिन अंधाधुंध असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण भूमि के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ा है। ठीक इसी तरह श्वेत क्रांति के बाद भी कृषि के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आज दूध उत्पादन में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है। लेकिन प्रति पशु दूध का उत्पादन काफी कम है। अगर हम मछली पालन की बात करें तो मछली उत्पादन में सबल होने के लिए चलाई गई नीली क्रांति ने भी कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी हैं। ये नीली क्रांति का ही असर है कि आज भारत मछली उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। अंडा उत्पादन में भी भारत का नाम शीर्ष के देशों की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर 7 दशक में कृषि क्षेत्र में अनगिनत फतह और ऊंचाइयां हमने हासिल की हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इन तमाम उपलब्धियों के पीछे हम कई ऐसी छोटी छोटी हारों को नकारते और अनदेखा करते गए, जो आज किसान के सामने विकराल समस्या बनकर खड़ी हो चुकी हैं। अक्सर देखा जाता है कि अपने उत्पाद के सही दाम न मिलने के चलते किसान विरोध दर्ज कराते नजर आते हैं। वो विरोध भी जायज है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत के बाद उत्पाद का दाम अगर कौड़ियों के मोल मिले तो किसान गुस्साएंगे ही। हमारे पास पर्याप्त उत्पादन तो है, लेकिन हर साल किसान की कोई ना कोई फसल ज्यादा उपज होने के चलते मंडी में कौड़ियों के दाम पर बिकती है। निर्यात के रास्ते भी ज्यादा नहीं खुले हैं। एक अच्छी निर्यात नीति किसान की इस मेहनत को मिट्टी होने से बचा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि किसान खुद भी जानकारियां जुटाएं। जो नीतियां किसानों के लिए सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, उनका लाभ पाने के लिए वो इंतजार ना करें कि कोई आएगा और आपको आकर उनके लाभ देगा, वो नीतियां समझाएगा, बल्कि खुद सजग हो जाएं। ये जानने की जिज्ञासा खुद में पालें कि किसान के हित में क्या नए नए ऐलान सरकार कर रही है। अपने हित की नीतियों और योजनाओं और जानकारियों का समय पर आप खुद ज्ञान लें, समय पर उन्हें जुटाएं और उनका लाभ उठाएं। दोस्तों, ग्रीन टीवी कृषि क्षेत्र में बीते 5 साल से निरंतर काम कर रहा है। बिना किसी का पक्षपात या आलोचना किए बगैर हम सिर्फ किसान के हित की जानकारियों पर फोकस करते हैं। कोशिश ये रहती है कि आपको आपके हक की बात वक्त पर समझा सकें। आपकी खेती बाड़ी, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम आपको दे पाए। ग्रीन टीवी की इस मुहिम को आप और दुरुस्त बना सकते हैं इसमें खुद शामिल होकर। ग्रीन टीवी की किसान हितैषी मुहिम में हो जाइए आप भी शामिल। ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर करिए, ताकि देश भर का किसान
एक सूत्र में बन सके। कृषि क्षेत्र और सुदृढ़ हो इसके लिए जरूरी है कि युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशे। कृषि क्षेत्र में ना सिर्फ रोजगार की अपार संभावना है बल्कि यहाँ आपके लिए आमदनी के बेहतर विकल्प भी हैं। तो जुड़िए ग्रीन टीवी के साथ और समझिए देश के वास्तविक आधार को, आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।